क्वेश्चन फिफ्थ का टेन पार्ट, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इट मीन्स हमें पहले इस चीज को सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए लाना है, फिर हमें इसे सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए लाना है। पहले हमने वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए लिया, और आर एच एस जो हमें लेके आना है वो लेके आना है टेन स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास ये आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हमने सीधे सीधे इनकी वैल्यू लिख दी, वन प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। अब हमने इन्हें छोटे रेशो में कन्वर्ट किया, sec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन में cosec स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन sin स्क्वायर ए। sin ए और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर पे लगाया वन अपॉन cos स्क्वायर ए, ये पूरे फ्रैक्शन डिवीजन में है तो हम इसको लिखेंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करके साइन स्क्वायर ए अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा वन, वन से वन कैंसिल होकर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू टेन। तो हमारे पास आया टेन स्क्वायर ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन टेन ए के इक्वल होता है स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास इसको सॉल्व करके आर एच एस आ गया टेन स्क्वायर ए। अब हम सेकेंड पार्ट को लेंगे जो कि है वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। हमने लिखा वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। हम इसको पूरे स्क्वायर के अंदर ही सॉल्व करते हैं। पहले हमने 1 माइनस साइन टेन ए को छोटे आइडेंटिटी में बदल दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली हम कोट ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी टेन का उल्टा। आगे हमारे पास कॉस ए एलसीएम आया और अंदर आया कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे साइन ए एलसीएम आया और अंदर कुछ हमारे पास ऊपर साइन ए माइनस कॉस ए, और ये सब किसके अंदर बन रहा है हमारा होल स्क्वायर में। आगे लेते हैं इसको कोस ए माइनस साइन ए। अब हमने इसके सबके स्क्वायर अलग अलग पुट कर दिए, कोस ए माइनस साइन ए इसका स्क्वायर मैंने अलग पुट कर दिया, नीचे कोस ए का अलग पुट कर दिया क्योंकि ये पूरी फ्रैक्शन हमारे पास डिवाइड में है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में लाके, तो साइन ए ऊपर हो जाएगा और साइन ए का स्क्वायर भी लगा दिया और नीचे साइन ए माइनस कोस ए है, साइन ए माइनस कोस ए का भी हमने स्क्वायर पुट कर दिया। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी माइनस टू ए बी। और अगर हम बी माइनस ए का होल स्क्वायर पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ही होती है। तो हम देख सकते हैं कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, जो हमारा आर एच एस है।